अस्सलाम वालेकुम। आज खिदमत मरकज पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी गुलबर्ग में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं शहर बानो नकवी ASP गुलबर्ग। थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने का। आज हम इस सेंटर के बारे में देख रहा हूँ, यहाँ पर बाहर कुछ लर्नर्स जो हैं वो ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि असल पर्पस क्या है सेंटर का? बेसिकली पर्पस सेंटर का ये है कि वो लोग जो पहले पुलिस स्टेशन जाते थे हमारी कुछ सर्विसेज लेने के लिए जो सिविल नेचर की होती थी, क्रिमिनल नहीं होती, उन सर्विसेज को अलग कर दिया जाए और उन 14 सहूलियात को एक रूफ के अंदर एक रिस्पेक्टेबल जगह बना के दे दी जाए। ठीक। यहाँ जो हमारी सर्विस जिसकी भी आपने बात की है, बेसिकली यहाँ ये टेस्ट दे रहे हैं ड्राइविंग का। ठीक। तो यहाँ ड्राइविंग टेस्ट भी होता है, अंदर हमारा मेडिकल डॉक्टर भी बैठा हुआ है, व्हीकल वेरिफिकेशन भी बाहर ही हो जाती है अगर कोई अपनी गाड़ी वेरीफाई करने के लिए आए, तो अगर हम अंदर चले तो उसमें बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग कौन कौन सी सर्विस। ठीक है। ये खिदमत मरकज है या वन शॉप्स जो स्टॉप होता है जो इंटरनेशनली लोग यूज करते हैं या वो है? बेसिकली हमारा, क्योंकि हमारे तो ये 14 सर्विसेज थी, तो पुलिस के लिए तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन ही है। ठीक है। जो उन्होंने दे दिया है लोगों को, जिधर यहाँ लोग आए वो बेसिकली वो सर्विसेज अवेल करें विदाउट द हसल एंड बसल ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ठीक। अब जब मैं सुबह आया हूँ तो मैंने देखा बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, इस साइड पे भी खड़े हैं, बैक पे भी खड़े हैं, तो ये जो आपका जो स्टाफ है ये सारा इनको मैनेज कर लेते हैं? हाँ जी, हमारी फुटफॉल आफ्टर CM पंजाब इनिशिएटेड दिस ड्राइव के लोगों के पास लाइसेंसेस सारों के पास होने चाहिए, तो हमारा जो लाइसेंसेस का बर्डन है जो 14 सर्विस में से एक सर्विस है वो बहुत इंक्रीज हो गया था। ठीक। तो उधर जाके हमें इस बात की रियलाइजेशन हुई कि पीपल हु fall in the bracket of 40 till 55 even don't have licenses. Okay. So basically they were driving throughout their lives in Pakistan without a license. Without license, okay. So uski wajah se burden kaafi increase ho gaya, but Allah ka lakh lakh shukr hai, we are managing it really well. Humne online licenses banwana start kar diye. Ab we are shifting to an application. Theek. Current jo footfall hai sir is center ka, wo it now ranges between 1500 to 1600 people. Okay. क्योंकि मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो आपकी टीम है यहाँ पर, जो ये पुलिस ऑफिसर्स हैं और कॉन्स्टेबल्स हैं, ये इनके अंदर एक थोड़ी सी चेंज मैंने देखी है। क्या ये ट्रेनिंग का सिलसिला है या ये ऑटोमेटिकली आपने नई रिक्रूटमेंट की है, ये क्या चेंज है? बेसिकली हुआ क्या था, हुआ ये था कि पहले ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे देख रहे हैं ना, वो सिर्फ एग्जिस्ट करता था, इसके अंदर ही 5-6 कमरे थे, साइड पे हम जगह बनाई हुई थी इधर साइंटिस्ट होता था। एक बहुत ही कंजस्टेड सफोकेटेड एनवायरनमेंट के अंदर हम लोगों को भी मिजरेबल कंडीशन में सर्विस दे रहे थे और जो अमला उधर बैठा होता था वो भी बड़े मिजरेबल कंडीशन में बैठा होता था। With the change in environment, a change in a mindset जो नहीं है वो ऑटोमेटिकली आना शुरू होता है। ठीक ठीक है, अंदर चलते हैं क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि ये चीफ मिनिस्टर साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया था, तो सिंस इनॉग्रेशन ये इसी तरह ही बिजी चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। वेरी गुड, अंदर चलते हैं और यहाँ पर कुछ हम थोड़ी सी सर्विस के बारे में आप मुझे बताएं कि ये जो मशीन्स हैं, ये रूम्स हैं, ये किस लिए हैं यहाँ पर? क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी 5-स्टार होटल की लॉबी में आ चुका हूँ, तो ये मुझे थोड़ा सा आप इसमें बताएं। सर बेसिकली ये जो मशीन्स हैं ना, ये क्यूमेटिक मशीन्स हैं, हम लोगों ने कॉर्पोरेट कल्चर इंट्रोड्यूस करने के लिए क्यूमेटिक मशीन्स अब सारे सेंटर्स में लगा दी। उसके अंदर जिस बंदे को जो सर्विस चाहिए होती है उस पर वो टैप के ऊपर क्लिक कर देती है और टोकन जनरेट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल आ जाओ। ठीक है। अच्छा, जिस तरह अगर हमारे इस छोटे से नौजवान को सर्विस चाहिए होगी तो उधर जाके वो बटन दबा देते हैं, इसके अंदर ये क्यू जो है वो जंप हो जाएगी, ये सीनियर सिटीजन के लिए सर। ठीक है। खवातीन के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए। और ये बाकी से नॉर्मल सर्विस है आपने रखा है ताकि उनको स्पेशलाइज सर्विस मिल सके। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, और ये आपका मेडिकल सेंटर है? हाँ जी सर। यहाँ हमारे डॉक्टर भी बैठे होते हैं, हम इसको एक ऑफिस स्पेस के तौर पे भी यूज कर लेते हैं, किसी को ऑफिस की फैसिलिटी चाहिए तो वहाँ। और ये जो रूम है आपकी काउंसलिंग रूम है? जी सर, ये हमारा काम। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अगर अब आपकी बारी आएगी तो अब आपने काउंटर नंबर ढूंढना है, सही है? ये क्या लिखा हुआ है? 7162। आ जाओ, आपका काउंटर ढूंढते हैं। तो बेसिकली फिर काउंटर जो है वो कॉल आउट होता है और जो इंडिविजुअल है ना वो अंदर चला जाता है। ठीक है। और ये सिटिंग एरिया बाहर जो कि ये मैंने देखा है कि बड़ा वेल मैनेज्ड है और बड़ा क्लीन है ये,
तो इसको रेगुलरली सारा आप फोकस होते हैं, ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये आपके काउंटर्स आ गए, ऊपर हमारा बच्चा है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक, नीचे बाकी सारी सर्विसेज। अच्छा, ये जो हैं ड्राइविंग लाइसेंस हैं, रेंटल डीड्स हैं और बाकी जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो भी मसला मसाइल है ना जी, वो अभी ही बता देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह जो भी है यहाँ पर ही आ जाएगी, एग्जैक्टली यहाँ ही आ जाएगी, इधर ही उनकी बच्चे नहीं जाएगी सर, और इधर उन्हें इनिशिएट जो है, एक्सीलेंट, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है जो अंदर से वो एंटर कर रहे हैं यहाँ से ये देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ स्कैनर्स भी हमारे लगे हैं और कैमरास भी लगे हैं, वेरी गुड, तो इधर ही अपने हम इंप्रेशंस देंगे एंड शी विल बी डन, जी ठीक ठीक। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ पर आपने वो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कुछ सिलसिला रखा हुआ है, वो क्या चीज है सर? बेसिकली हमारे ट्रांसजेंडर्स का सिलसिला और जो मिसाक का सिलसिला है, ट्रांसजेंडर्स हमारे तहफ्फुज़ के एम्बिट में आ जाते हैं जी, और जो मिसाक है वो बेसिकली आ जाता है माइनॉरिटीज के। अच्छा, ये मिसाक आ गया और वो तहफ्फुज़ आ गया, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है सर। हमारे यहाँ जो है विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर इस टाइम मासूमा, ठीक, हमारी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर है जी। मासूमा, बताएं कि आज आपने क्यों बुलाया हुआ है? इन हम लोगों के ना एक तहफ़्फ़ुज़ के सेंटर से हमारा एक बर्थडे का इवेंट होता है जो ट्रांसजेंडर अपने बहुत ही जोशो खरोश से करते हैं, तो ये बर्थडे की परमिशन के लिए इधर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर आते हैं और जितनी भी फैसिलिटेट होती है फिर बर्थडे की, इनको सिक्योरिटी, इनका साउंड सिस्टम, कोई इनकी बर्थडे ख़राब ना करे इवेंट, ये सब हम लोग फिर तहफ़्फ़ुज़। तो हमने रियलाइज किया क्योंकि इनके लिए जो चीज इम्पोर्टेंट है वो इनकी बर्थडे है, तो यहाँ तहफ़्फ़ुज़ सेंटर आए, अपनी दरख्वास्त दी कि जी आज मेरी बर्थडे है या दो दिन बाद मेरी बर्थडे है, मुझे NOC दिया जाए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर है वो मुतलका पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक, और DC ऑफिस के अंदर हमने थ्रू आउट पंजाब फोकल पर्सन अपॉइंट करवा दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट कर, ठीक है। मासूमा ने कब ज्वाइन किया था यहाँ पर? मासूमा ने ज्वाइन और फिर उन्हें LOC मिल जाएगा। मासूमा बताएं, जब तहफ़्फ़ुज़ बना था तब से ज्वाइन, 2023 में ज्वाइन किया, ठीक है, और आप तब से यहाँ पर ये कर रही हैं अंडर पुलिस सर्विस में, वेरी गुड, जबरदस्त। और आप में से बर्थडे किसकी है? आपकी बर्थडे है, तो आपको कैसा ये महसूस हुआ है, ये सिस्टम या जो इससे पहले वाला सिस्टम? बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सहूलत है, टेंशन परेशानी सब कुछ, बच्चे सब कुछ, और सबसे बेहतर कि आपके रिस्पेक्ट ठीक है, वेरी गुड। टाइम भी मतलब ज़ाया होता, कोई सुनता भी, ऊपर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये कि जैसे बंदा आता है ऐसे क्लियर होके आता है और क्लियर होके जाता है, ठीक, सही। तो आपको ये लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, IG पंजाब हैं और शहर बानो हैं, इस सेंटर की हेड हैं यहाँ पर चला रही, और फिर मासूम हैं और बाकी टीम लोग, ये लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक, बहुत शुक्रिया आपको। आपकी सालगिरह कब है? 16 को, तो हम आपको पहले मुबारकबाद देते हैं, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, जबरदस्त है जी शहर बानो सर, ये हमारी माइनॉरिटीज। अच्छा, सना यहाँ पर जी, वालेकुम सना, आप यहाँ पर जो ज्वाइन किया है आपने, क्या माइनॉरिटीज़ की कोई कोटे पे या डायरेक्ट अप्लाई किया या क्या हुआ, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें? डायरेक्ट अप्लाई किया था और मेरा जो है ना मेरिट पे सिलेक्शन हुआ। वेरी गुड, तो आपको कैसा लग रहा है कि आपने पुलिस को क्यों ज्वाइन किया और पुलिस को ज्वाइन करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? मैं तो मेरी तो शुरू से ही ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस का हिस्सा बनूं जी, तो जैसे ही मैट्रिक किया उसके बाद मैंने FSC क्लियर की, तो FSC के दौरान ही मैंने पुलिस में अप्लाई किया, गुड, तो बाय मेरिट ही मेरा। बाय मेरिट, तो आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है, ये जो लोगों की खिदमत करके और डिफरेंट तरह के ऑफकोर्स लोग आते हैं तो वो कस्टमर सर्विस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? सर मुझे तो, मैं तो यही बताऊंगी कि आवाम की खिदमत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, आप लोग एक उस सिस्टम का हिस्सा हैं कि जिसमें आप माइंडसेट चेंज कर रहे हैं लोगों का,
आप उनको क्यू का, ये सिस्टम्स का, ऑनलाइन का एक तरबियत दे रहे हैं, और मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग इसी तरह ही कैरी करें और अच्छे तरीके से चलें, क्योंकि ये एक बड़ी मेहनत और विजन का नतीजा था ये खिदमत सेंटर जो बना है। और ये मेहनत जो है सीएम पंजाब हैं, आईजी साहब हैं, आपकी एएसपी साहब हैं, ये सब का मिल के है, क्योंकि अगर एक भी टीम हट जाए, एक मेंबर भी उसका विजन से, तो वो नहीं चल सकती। एक्सेलेंट। प्लीज बैठे आप। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह मैंने अभी दो तीन से लोगों से पूछा है और बात की है, वो अपनी काफ़ी सारी चीज़ों में मुतमईन है। ऑफ कोर्स समटाइम एरर, ट्रायल और एरर ऑलवेज होता है। हमने उसको 15-20% इंटरनेशनल रेट किया हुआ है, तो यहाँ भी होता होगा। अगर कहीं पर कोई इनका एरर आ जाए टाइपिंग में, पिक्चर में, किसी और चीज़ में, तो ये इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? वापस आना पड़ेगा? नहीं जी सर, पहले इशू भी बहुत होता था एरर का, लेकिन जब से हमने स्क्रीन्स लगाई हैं जी, तो वो सिग्निफिकेंटली इट इज रिड्यूस्ड, 50% से नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि आप साथ साथ देख रहे हो जी, बताना स्टार्ट करते थे कि ये गलती है। और अगर एरर कहीं भी आ जाता है, तो पहले तो वो अपने यहाँ इंचार्ज के अंदर रेलेवेंट काउंटर के पास जाते हैं, वो इसको फिर रेक्टिफाई करते हैं खुद से। ये हमारी एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा लिटरेसी रेट है वो इतना वो नहीं है, और अगर है भी, जो कि मैं समझता हूँ कि समटाइम जानबूझ के भी हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को फिर मैनेज करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन के अंदर हम लोग ने ना ये चीज़ मैकेनिज्म लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें कल मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने दो तीन चीज़ों पर रिकन्सिलिएशन की थी PITB वालों के साथ। उसमें पहली चीज़ तो यही थी कि अगर किसी का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है और वैलिड है, और कुछ ऐसे ममालिक है जिधर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अ ड्राइविंग लाइसेंस, जिस तरह दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस लेना इट्स एन ओडियल, ऐसे ही है। तो अब उनको अगर बाहर वेरिफिकेशन हुई भी है, वो इफेक्टिव है, तो इधर हम लोगों को इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। मतलब द पर्सन हु इज कमिंग हियर शुड नॉट हैव टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस अगेन, होल प्रोसेस। एक इस चीज़ को कंसीडर किया जा रहा है। वेरी गुड। दूसरा इस चीज़ को कंसीडर किया जा रहा है कि हम लोग जब अपना मेडिकल जो हमारा टेस्ट है, हमने यही देखना है कि द पर्सन इज अलाइव और नॉट, द पर्सन इज सेन और नॉट, एंड द पर्सन इज नॉट हैंडी कैपेबल। तो वो चीज़ तो हमें टीवी पे या स्क्रीन पे भी नजर आ सकती है जी। तो अगर हम अपना ऑनलाइन करें एप्लीकेशन की फॉर्म पे करें, तो वो उधर ही वेरीफाई हो जाए। क्योंकि मेरा ख्याल है कि यूके का भी लाइसेंस यहाँ पर नहीं माना जाता, तो यहाँ पे ही जिसने करने वो लाइसेंस करना है, हाँ, तो वो आप उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं किसी एक दो लोगों से यहाँ कुछ पूछना चाहता हूँ कि सेंटर के बारे में। ये मेरे सामने एक भाई बैठे हुए हैं, ये आपने टोकन कैसे लिया है? आप थोड़ा सा मेरे पास आ जाएं। लड़के ने तो बोला टोकन दे दो, उसने टोकन दे दिया। अच्छा, टोकन दे दिया। तो ये आप कब के आए हुए हैं? 12:50 का है। तो अभी आपको 551 नंबर मिल गया। तो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए? लाइसेंस बनवाने के लिए आए। पहले नहीं था लाइसेंस आपका? नहीं, पहले नहीं था। बाइक है? हाँ जी, 20 साल से चला रहे हैं। गाड़ी भी चला रहे हैं? नहीं, बाइक चला रहे हैं। बाइक चला रहे हैं। और कभी आपने ध्यान नहीं दिया था? नहीं सर, पहले इतनी सख्ती नहीं। अच्छा, अब सख्ती की वजह से कर रहे हैं? जी सर, सख्ती। और आपको ये सख्ती के बाद ये महसूस हो रहा है कोई आसानी भी है इसमें? नहीं, असल में आसानी है सर। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ खवातीन देखी हैं, तो क्या मैं एक किसी खातून से पूछूं? अच्छा, आपका नाम क्या है? कायनात। कायनात, आप यहाँ पर क्यों आई हैं इस खिदमत? करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। अच्छा, पहले तो ये होता था कि आप SP ऑफिस जाते थे, आपको मिल जाता था, तो फिर वो आसान था या ये आसान है? फ़ौरन हो गया। ठीक, आपको ये लगता है कि जो सिस्टम की चेंजेस हैं ये अडेप्टेबल हैं लोगों के लिए? yes. लोग मान इसको कर सकते हैं, एक्सेप्ट करेंगे? हाँ जी। और आपको ये भी लगता है कि जो ये टीम यहाँ बैठी काम कर रही है, ये पुलिस के हमारे SP साहब हमारे साथ हैं, ये लोग कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं सोसाइटी में? नहीं, मुझे तो बहुत लग रहा है। और अगर आपकी कुछ चीज़ मिसिंग है तो आप जाके वापस लेकर आएंगी या यहीं पर ही उन्होंने कहा रिजॉल्व करने के लिए? यहीं पर ही। थैंक यू वेरी मच कायनात, थैंक यू, आप प्लीज़ कैरी ऑन करें। ये जैसे आज हमने यहाँ पर खिदमत मरकज में आके देखा है, और हमने कुछ लोगों से और भी मुलाकात की है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा इम्पैक्ट क्रिएट इसने किया है, और लोग बड़े मुतमईन हैं इस सर्विस से, और यहाँ पर जिस तरह लोगों का जो फुटफॉल है ये बड़ा अमेजिंग है।
15-20 साल से इनके पास और अपने लाइसेंसेज नहीं थे, मगर अभी इन्होंने एक इनिशिएट ले रहे हैं और लाइसेंस की तरफ आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और ये हम चीफ मिनिस्टर साहब को, आईजी पंजाब को और शहर बानो जो इस सारे सिस्टम की इस वक्त हेड कर रही हैं, स्पेशली इस सेंटर में, गुलबर्ग सेंटर में, बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इनका ये इनिशिएट जो है, मैं दुआ कहूँ अपने बाकी टीम के साथ जो ये मेहनत यहाँ कर रहे हैं, ये एक फ्रूटफुल एफर्ट होगी और हम इसी तरह ही लाहौर को और बाकी शहरों में एक तवज्जा जो चाहिए थी हमें ट्रैफिक के हवाले से, ये एक पहला इनिशिएट है। मगर इसके साथ जैसे अभी मेरी एक और अभी मेरी बहन से बात हुई है, उनको अपने करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए था, करेक्टर सर्टिफिकेट उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने सर्विस ली और उनको मिल गया। ये वो सब चीज़ें हैं जो कि हम कभी आइडियल करते थे कि जी यहाँ मिलेंगी, मगर अब मिल रही हैं, जो कि जिसके लिए मैं सीएम साहब का और आईजी साहब का दोनों का बड़ा मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच शेरबानो गिविंग अस अ टाइम टू टेकिंग अस अराउंड एंड इट इज़ अमेजिंग दैट यू पुटिंग योर 100% एफर्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।